नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है भारत न्यूज। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पूछता है भारत न्यूज चैनल। 32वें सड़क सुरक्षा माह को लेकर सिविल लाइन चौराहे में पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के आदेश पर लगाई गई वाहन चेकिंग। रामनगर थाना क्षेत्र के मॉडल स्कूल के पास दो बाइक सवार के आपस में भिड़ने से 3 लोग घायल। थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सतना जिला अस्पताल में बीती रात वार्ड नंबर 5 में हुई 5000 की चोरी। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि चोरी की शिकायत करने गए तो चौकी में कोई भी नजर नहीं आया। अस्पताल के कैमरे कई दिनों से है बंद। सूत्रों के मुताबिक जानकारी है कि शहर के अंदर अस्पताल गेट में दवाई दुकान में चलाया जा रहा है नशे का कारोबार। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिलीप मिश्रा पहुंचे रामनगर, लोगों से की मुलाकात। अमरपाटन से मैहर जा रही यात्री बस और हाइड्रा क्रेन के बीच हुई टक्कर, आधा दर्जन लोग हुए घायल। बड़ा हादसा टला, पुलिस मौके पर पहुंची। जिला बार एसोसिएशन सतना और लेबर बार एसोसिएशन ने 3 फरवरी को कृषि कानूनों में फेरबदल को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। आईपीएस अधिकारी श्रीमती हितिका वासल के कंधे पर पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने लगाया अशोक चक्र। हितिका वासल को एडिशनल एसपी बनाकर किया गया ग्वालियर स्थानांतरित। कोठी सतना चौराहे में थाना प्रभारी के नेतृत्व में यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले, बगैर मास्क और हेलमेट के घूमने वाले वाहन चालकों पर की गई चालानी कार्यवाही। सतना शहर के कूती क्षेत्र में चल रही है ठेकेदारों की मनमानी। 2 महीने पूर्व पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गई सड़क में कोई निर्माण कार्य नहीं। लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी, प्रशासन है बेखबर। देखते रहिए पूछता है भारत न्यूज चैनल और पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब का ऑप्शन प्रेस करना ना भूलें।